इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स निकाला है। इससे ये पता चलता है कि कौन सी सिटी कितना अच्छा रहने के लिए है, लिविंग के लिए है। और इसमें 172 ग्लोबल सिटी को रैंक किया गया है 30 पैरामीटर पे। और ये पैरामीटर जो हैं वो पांच कैटेगरी में बटे हुए हैं, हेल्थ केयर, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, स्टेबिलिटी, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इनको 1 से 100 तक में रैंक में नंबर दिया गया है और उसी हिसाब से इनकी रैंकिंग बनी है। अगर टॉप 10 सिटी की बात करें तो नंबर 1 पे वियना है जो ऑस्ट्रिया में है। इसका जो स्कोर है वो 99.1 है। इसके बाद कोपेनहेगन है डेनमार्क का। उसके बाद थर्ड नंबर पे ज्यूरिख है स्विट्ज़रलैंड का। इसके बाद कनाडा की सिटी है, और फिर कनाडा के 5th नंबर पे भी है, और 6th नंबर पे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है। उसके बाद फ्रैंकफर्ट जर्मनी की सिटी है 7th नंबर पे, फिर कनाडा की टोरंटो है। इसके अलावा नेदरलैंड की सिटी है, उसके बाद जापान की, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 10वें नंबर पे है। इसके अलावा अगर मोस्ट ऐसी सिटी की बात करें जो रहने लायक नहीं है, इसमें बिल्कुल लास्ट नंबर पे दमास्कस है सीरिया की। इसके बाद 171 नंबर पे नाइजीरिया की सिटी है लागोस। इसके बाद 170 पे लीबिया की सिटी त्रिपोली है। इसके बाद कराची का भी नंबर है इसमें 168 नंबर। ढाका है 166 पे। और इन लोग का अगर स्कोर की बात करें तो ढाका का 39.2 है और कराची का 37.5 है। इसके अलावा अगर ऐसी सिटी की बात करें जिनकी रैंक लास्ट 12 महीने में बहुत ज़्यादा जंप की है, इसमें फ्रैंकफर्ट जर्मनी की सिटी है जो इस समय 7th नंबर पे है, और लास्ट ईयर से इसका जो रैंक चेंज हुआ है वो 32 प्लेसेस का हुआ है। इसके बाद जर्मनी की एक और सिटी है जो 16 प्लेस पे है और इसका 31 रैंक जंप हुआ है। इसके अलावा लंदन की यूके की लंदन और मैनचेस्टर, पेरिस, ब्रुसेल्स और ग्रीस के एथेंस, लॉस एंजलिस, ये इन लोग का भी रैंक में जंप देखा गया। इसके अलावा ऐसी सिटी की बात करें जिनका रैंक गिरा है, उसमें वेलिंगटन न्यूजीलैंड की सिटी, इसका भी रैंक गिरा है। इसके बाद न्यूजीलैंड की एक और सिटी ऑकलैंड का भी रैंक गिरा है। फिर ऑस्ट्रेलिया की पर्थ का रैंक गिरा है। इसके बाद आइसलैंड, स्पेन, ताइवान, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया की सिटी का भी रैंक गिरा है। थैंक यू।